सवाल नंबर है आपके पांचवा, इसमें देखो क्या दे रखा है आपके, इसको गुणा करने पर एक्स क्या आता है आपके 408, इसको 68 को गुणा करते हैं एक्स से तो कितना आता है आपके 408 आता है। ये गुणा में हो जाएगा आपके भाग में, एक्स का मान रहेगा 408 बटा 68, इसमें भाग दो तो भाग कितना जाएगा आपके 34, इसका कितना आता है चार का भाग, इसमें तो चार का भाग जाएगा आपके दो बार, एक बार जाएगा चार का भाग, जीरो बार से दो बार, चार का भाग कितना जाएगा आपके चार एकम चार, पीछे गया सात बार, अब सत्रह का भाग दो, सत्रह छक्के 102, एक्स का मान क्या आ गया आपके 6। अब यहाँ पर यही है, इन दोनों को गुणा करेंगे, किसको 763 को गुणा करेंगे 3x से, उत्तर क्या आता है आपके 25942। अब ये है आपका 3x नहीं है, ये क्या है यहाँ पर कोई संख्या है आप, मतलब x है ये आपके 3x नहीं है, ये जो संख्या है जो पहले टुकड़े करेंगे, ये कितने अंक की है आपके 2 अंक की, ये आपके 31 भी हो सकती है 32 भी हो सकती है, यही संख्या में चलेगा, केवल एक नंबर ही है तो चल जाएगा, इसको गुणा करने पर सिंपल आ गया आपके, लेकिन यहाँ आपके नंबर है जैसे मान लो 32 हो सकती, 33 हो सकता, 34 कोई भी हो सकती है, अब मान लो 34 अगर आपको लेना है तो कैसे लेंगे बताओ, 34 में क्या है ये अक्षर अलग रखो और इसको अलग रखो तो क्या आएगा यहाँ पर आपके 30 आएंगे, ये इकाई का और ये क्या है आपके दहाई का, इकाई मतलब अंश और टेंस, ये है इकाई का और ये है दहाई का अंक है, इकाई को अंक गुणा करेंगे 1 से और दहाई का अंक गुणा करेंगे 10 से, तो आएगा आपके 763 × 2 कितना आएगा आपके 3430 प्लस, अब यहाँ एक्स का वैल्यू है मालूम थोड़ी है, ऐसे चार लिख दिया, वहां पीछे वैल्यू क्या करना है हमें ज्ञात करना है, मतलब अगर ये आपके चार है तो 30 प्लस चार कितना हो जाएगा 34, अगर ये तीन है तो 30 और 3 कितना हो जाएंगे 33, मतलब आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ये 3x नहीं है, ये आपके पूरी संख्या है, ये दो अंकों वाली, कौन संख्या है दो अंकों वाली संख्या है, अब बराबर दे रखा है 25942, ये है गुणन हो जाएगा आपके भाग में, तो 30 प्लस x बराबर 25942 बटा 763, सात जन का भाग दो, इसका इसमें भाग देने पर क्या आता है, भाग देना पड़ेगा, 763 का भाग आता है, भाग तो देना ही पड़ेगा, तीन का 7 और 6 13, 13 और 3 इसका नहीं जाएगा आपके और किसका जाएगा, तो 763 भाग पार्ट बना दो, 3 × 3 = 6, 3 × 9, 3 × 4 3 × 15, 3 × 18 3 × 21 3 × 24, अब जहाँ कितनी बार जाएगा, जो 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, असल का 1 × 18, 6 × 24 और 1 = 25, और फिर कितना जाएगा आपके 6×5 = 6, कितने होते हैं 30, 30 और 1 कितना होगा आपके 31, यहाँ 1 दे रखा है आपके, ये 2 है यहाँ 2 है, फिर 3×6 कितना होता है 6×6 = 36, 36 और कितना हो गया आपके 37, फिर 6×7 = 42, 42 × 2 कितना हो गया आपके 44, और ये होते हैं आपके 6, अब 7×2 7 × 7 = 14 और 1 कितना हो गए 15, 7×21 और 1 = 22, अब देखो ये भाग जाता है आपके, देखो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा आपके, भाग जाएगा आपके 1 बार, ये भाग गया इसमें 1 बार, तो कितना है यहाँ पर, वहां तो है 2594 और यहाँ है आपके 2292, घटाओ तो 14 में से 9 गए 5 और 9 में से 8 गया 1, पीछे कितना बच गया आपके, ये बच गया आपके 3, यही है ये 315 बच गया पीछे, अब 315 पीछे क्या है आपके 2 दे रखा है, अब तो यहाँ गुणा करेंगे 728, 28 × 2 कितने होते हैं आपके 30 होते हैं, अब तो यहाँ भी आपके कितना होता है 8 में से 8 गया 0 बचता है पीछे, आप कितना आता है 305, अब देखो भाग जा रहा पूरा पूरा, ये 3 अकाउंट में भाग जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है, तो पहले गया भाग कितनी बार गया
पहले भाग तो गया था आपके 3 बार और कितनी बार गए आपके 4 बार, तो कितना आ गए आपके 34। क्या आया है 30 + x = 34। ये प्लस का है उधर भेद हो जाएगा माइनस का, एक्स का मान हो जाएगा 34 - 30, एक्स का मान आ गया आपके 4। अब यहाँ पर देखो, अब देखो इसमें इसका भाग देने पर क्या आया है आपके 8 आया है। नियम क्या है बताओ, भाज्य संख्या बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये वाला नियम काम करता है। अब तो भाज्य कितना बताओ, भाज्य तो दे रखा है 216, मतलब बड़ी संख्या, जिसका किसका भाग दिया, भाज्य कौन सा है 2 है, भागफल कितना आया है 8, शेष कितना आया आपके 0। मैंने अभी बताया था 3x था, 30 + x, यह है 2x, क्या लेंगे 20 + x, हो जाएगा 216 = 20 + x * 8 + 0, का मतलब ही नहीं लिखो, जब मत लिखो 0 है मतलब ही नहीं। अब देखो 216 है ये, 8 गुणा करो 20 से क्या आएगा 160 प्लस 8 गुणा करो x से आएगा 8x, ये प्लस का है इधर भेद हो जाएगा माइनस में, 216 - 160 = 8x, 216 में 60 पीछे बच गया आपके 56 = 8x, ये गुणा में तो भाग में x का मान हो जाएगा आपके 56/8, x का मान कितना आ गया आपके 7, x का मान कितना है 7, 27 है यहाँ, 27 का भाग में देंगे तो 8 बार जाता है 216, x का मान 7 है। कोशेंट है, ये तो है आपके डिविजर, ये तो एक होता है डिवाइजर, एक होता है डिविडेंड, ये है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर, क्वेश्चन तो ये है क्वेश्चन, डिविजर डिविजन होता है इंग्लिश में मालूम पड़े सब याद तो याद देखो, एक तो है वही आपके भाज्य, क्या होगा भाज्य संख्या बराबर, नियम क्या है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब बताओ भाज्य संख्या मतलब बड़ी संख्या 907, और भाजक क्या है बताओ आपके, भाजक मतलब जिसका भाग दिया, किसका भाग दिया x और 7 का भाग दिया, और भाग कितना है आपके 24, और रिमाइंडर कितना दे रखा है आपके 19, तो पक्षांतर करेंगे ध्यान दो, ये प्लस का इधर आएगा किसमें जाएगा आपके माइनस, तो 907 माइनस क्या हो जाएगा 19, x और 7 बताया था इसको तो गुणा किससे नहीं करते, x से, ये x x था, यह 7 का 7 ही आएगा, अब यहाँ 2 था तो बन गया 20, या x क्या बन जाएगा 10x, 10 को गुणा हो गया देखो इसको 10 से गुणा किया क्या बन गया 20 बन गया, 3 को गुणा किया क्या 30, x गुणा कर 10 से क्या बन जाएगा 10x, प्लस लगाएंगे यहाँ आ जाएगा 24। अब बताओ 907 में से 19 गए पीछे कितने बचे, 17 में से 9 गए 8, और पीछे बचा गुंडपे में से 1 गया, कितने ऐसी ये होता है, हाँ गुंडप में से गया कितना होता है, कैसे होता है ये होता है ना 8 में से 9 में 1 8, ये होता है बराबर हो गया देखो 10x + 7 बराबर कितना हो गया 24, ये गुणा में यह क्या हो जाएगा आपके भाग में, तो हो जाएगा 888/24 बराबर 10x + 7, भाग दो 24 + 72 कितना बन गया 16, अब भाग कितना जाएगा 24 का भाग में, 24 का भाग में कितना जाएगा 6 बार, तो इस्तेमाल होता है 8 बार होता है, कितनी बार होता है 24 का भाग में 8 बार में ही होता है, 24 × 8 ही होता है ना, 24 × 8 के 7 के 6 में होता है 8 × 48 का 2 16, 24 है नहीं, 8 × 32 7 में 2 तो 728 फसल का 2 तो 16, कितना भाग होता है 7 बार जाएगा 37 हो गया। अब ये प्लस का है इधर बिल्कुल हो जाएगा आपके माइनस में, तो 10x बराबर हो जाएगा 37, तो प्लस का ही है, अब x के पास से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके माइनस, ये हो गया आपके 30, ये गुणा में तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो x का मान हो जाएगा 30/10, कितना उत्तर आएगा 3, ऐसे